Bismillahirrahmanirrahim, students. In this session, we will have some practice question on balance scorecard. जो divisional performance evaluation के अंदर जब हम लोग financial and non-financial performance measures की बात करते हैं तो उसमें एक जो important tool होता है performance evaluation के लिए वो balance scorecard होता है. इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस शेयर की हैं जिसमें हम लोगों ने बैलेंस स्कोर कार्ड को डिटेल में समझने की कोशिश की है और फिर उसको इस कुछ एक्सरसाइजेस के जरिए से मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि हम लोग जो है एक कंपनी की जो स्ट्रेटजी है उसको बैलेंस स्कोर कार्ड में किस तरीके से जो है वो डेवलप कर सकते हैं. अभी मैंने एक एक्सरसाइज सेलेक्ट की है फ्रॉम मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नरीन के 15th एडिशन में से, जिसमें हम लोग जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक बैलेंस स्कोर कार्ड को बना सकते हैं और उसको यूज करके हम किस तरीके से परफॉर्मेंस एवेल्युएशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं. आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं और फिर उसका जो है वो हम लोग सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे. हियर इज एक्सरसाइज 11.4. ये एक्सरसाइज 11.4 है बिल्डिंग अ बैलेंस स्कोर कार्ड, जिसमें हम लोग जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड को बनाना सीखेंगे. बैलेंस स्कोर कार्ड को बैलेंस स्कोर कार्ड बनाने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो वीडियो शेयर की थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर चार जो है वो उसके पार्ट्स होते हैं, जो चार उसके सेगमेंट्स होते हैं. एक उसका फाइनेंशियल होता है, दूसरा उसका कस्टमर्स के रिलेटेड होता है, तीसरा इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं और आखिरी जो है वो लर्निंग एंड ग्रोथ का जो है वो एक सेगमेंट होता है. इसके अंदर भी इसी तरीके से ये चारों सेगमेंट्स जो है वो हम लोग बनाएंगे. तो बेसिकली क्या है, लॉस्ट पीक स्काई रिजॉर्ट्स वाज द फॉर मेनी इयर्स अ स्मॉल फैमिली ओन्ड रिजॉर्ट सर्विंग डेज स्काइज फॉर नियर बाय टाउन. जो एक लॉस्ट पीक स्काई रिजॉर्ट है ये बेसिकली स्मॉल एक छोटा सा रिजॉर्ट है जो कि फैमिली ओन्ड है और ये मुख्तलिफ जो भी नियर बाई टाउन्स से आने वाले जो स्काइर्स होते हैं उनको जो है वो सर्व करता है. लॉस्ट पीक वॉज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय वेस्टर्न रिजॉर्ट्स और वेस्टर्न रिजॉर्ट्स को ने इसको अक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है मेजर स्काई रिजॉर्ट ऑपरेटर जो है ना उस एरिया का. द न्यू ओनर हैव प्लान टू अपग्रेड द रिजॉर्ट इन टू डेस्टिनेशन रिजॉर्ट फॉर वकेशनर्स और इस रिजॉर्ट को वो एक डेस्टिनेशन रिजॉर्ट बनाना चाह रहा है वकेशनर्स के लिए. As part of this plan, the new owner would like to make major improvements in the Powder 8 Lodge. Powder 8 Lodge उसका एक segment है, उसके अंदर जो है वो कुछ major improvement करना चाह रहे हैं. The resorts on the hill cafeteria, on the hill जो cafeteria है उसका नाम उन्होंने Powder 8 Lodge रखा हुआ है. The menu at the lodge is very limited. Lodge के ऊपर जो menu है उनका वो बड़ा limited सा है, जिसमें hamburgers मिलते हैं, hot dogs हैं, chili tuna fish है, sandwiches हैं, pizza है, french fries हैं और packaged snacks हैं. ये उनकी products हैं. With little competition, the previous owner of the resort had felt no urgency to upgrade the food service at lodge. क्योंकि उस वहां पे कंपटीशन बहुत थोड़ा था, इसलिए जो पुराना जो उनका जो आप समझ लें ओनर थे उन्होंने इसमें कोई भी फूड सर्विस के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश ही नहीं की. इफ स्काइर्स वांट लंच ऑन द माउंटेन, अगर जो स्काइर्स है उनको लंच करना है माउंटेन पे, द ओनली अल्टरनेटिव आर द पाउडर 8 लॉज आर आ ब्राउन बैग लंच ब्रॉट फ्रॉम द होम. तो उनके पास जो ऑप्शन है वो पाउडर 8 लॉज है जो वहां पे रिजॉर्ट के अंदर जो है वो उन्होंने कैफेटेरिया बनाया हुआ उसका, या फिर वो अपने घर से जो भी जो है वो ब्राउन बैग लंच के तौर पे ला सकते हैं, खरीद के अपने पास वो कैरी कर सकते हैं. द पार्ट ऑफ द डील व्हेन अक्वायरिंग लॉस्ट पीक वेस्टर्न रिजॉर्ट एग्रीड टू रिटेन ऑल ऑफ द करंट एम्प्लॉइज ऑफ द रिजॉर्ट. और जब उन्होंने डील की थी तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो लॉस पीक के साथ उनकी जब वेस्टर्न रिजॉर्ट की डील हुई तो उन्होंने कहा था कि तमाम जो इम्प्लॉइज हैं वो उनको रिटेन करेंगे.
द मैनेजर ऑफ द लॉज वाइल हार्ड वर्किंग एंड एंथुजियास्टिक हैज अ वेरी लिटिल एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट बिजनेस। लेकिन जो लॉज का मैनेजर है उसका जो है वो बड़ा थोड़ा सा बिजनेस है लेकिन वो एंथुजियास्टिक और हार्ड वर्किंग आदमी है। द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द मेन्यू फाइंडिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज। जो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक तो उसने मेन्यू को सिलेक्ट करना है कि क्या क्या हमने ऑफर करना है खाने में, और फाइंडिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज की जो ट्रेनिंग है और उसकी जो जो एम्प्लॉइज की जो सर्चिंग है मीन हायरिंग है वो भी वही करेगा, एंड ओवरसीइंग डेली ऑपरेशंस और डेली ऑपरेशंस भी वही देखेगा। द किचन स्टाफ प्रिपेयर फूड एंड वॉश डिशेज। किचन स्टाफ जो है वो फूड प्रिपेयर करता है और डिश वॉशिंग करता है। द डाइनिंग रूम स्टाफ टेक ऑर्डर्स। डाइनिंग रूम का जो स्टाफ है वो ऑर्डर लेता है, सर्व एज कैशियर्स और कैशियर के तौर पे भी सर्व करता है, एंड क्लीन द डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग रूम एरिया की क्लीनिंग भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ पार्ट ऑफ द डील। ओके, शॉर्टली आफ्टर टेकिंग ओवर द लॉज लॉस्ट पीक, और उन्होंने जब एक्वायर किया उसके फौरन बाद मैनेजमेंट ऑफ द वेस्टर्न रिजॉर्ट हेल्ड अ डे लॉन्ग मीटिंग with all of the employees of the Porter 8 Lodge to discuss the further of the Sky Resorts and the new management's plan for the lodge. उन्होंने तमाम employees को इकट्ठा किया है, उनके साथ एक meeting की है और नया plan उनको बताया है. The end of this meeting, management and the lodge employees created a balanced scorecard for the lodge that would help guide operations for coming Sky season. जो coming Sky season आ रहा है उसके लिए उन्होंने गाइडेंस के लिए ऑपरेशंस किस तरीके से चलेंगे और उसको कैसे हम मैनेज करेंगे उसके लिए उन्होंने एक बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो बनाया है। ऑलमोस्ट एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग सीम्ड टू बी एंथुजियास्टिक अबाउट द स्कोर कार्ड एंड मैनेजमेंट प्लान फॉर द लॉन्च। हर एक जो एंथुजियास्टिक है, बड़ा जो है वो एनर्जेटिक है। तो द फॉलोइंग परफॉर्मेंस मेजर्स वर इंक्लूडेड इन द बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर पाउडर 8 लॉन्च। जो हम नीचे जो उन्होंने दिए हैं वो उन्होंने परफॉर्मेंस मेजर जो है वो लिए हैं जो कि उन्होंने लॉज के अंदर जो है वो मेंशन करने हैं। अब इन्हीं जो भी हमारे पास हो वो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, इनको हम लोगों ने उन्हीं चार कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि ये किस कैटेगरी के अंदर शामिल होगा। सबसे पहले है पाउडर 8 लॉज सेल्स। पाउडर 8 लॉज सेल्स हैं क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मेजर है, तो इसलिए ये इसके जो फाइनेंशियल मेजर्स का सेगमेंट होगा बैलेंस स्कोर कार्ड का, ये हम लोग जो है वो वहां पे लिखेंगे और वहां पे इसको जो है वो हम लोग शामिल करेंगे। वीकली पाउडर 8 लॉज प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये भी एक फाइनेंशियल मेजर है, तो इसलिए हम लोग इसको भी हम लोग अपने जो फाइनेंशियल का जो खाना है या फाइनेंशियल का जो सेगमेंट है उसके अंदर इसको भी लिखेंगे। जब हम लोग इसको डिजाइन करेंगे तो मैं आपको मजीद इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी कि ये किस तरीके से होगा। ओके, नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स। फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स कौन कौन सी होगी। अब ये देखें, नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स जो है वो ये इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस की आइटम है। ये हम लोग जो है वो इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस का जो सेगमेंट होगा उसके अंदर जो है वो इसको लिखेंगे और लिंक करेंगे बाकी एक्टिविटीज के साथ। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है, डाइनिंग एरिया क्लीनलीनेस एज रिलेटेड बाय अ मैनेज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेस्टर्न रिजॉर्ट मैनेजमेंट, एज रेटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेस्टर्न रिजॉर्ट मैनेजमेंट। जो डाइनिंग एरिया क्लीनलीनेस है ये भी चूंकि एक इंटरनल बिजनेस का ऑपरेशंस का एक एरिया है, तो इसलिए हम लोग इसको भी इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस के जो कैटेगरी होगी या सेगमेंट होगा उसके अंदर जो है वो इसको भी हम लोग क्या शामिल करेंगे। फिर उसके बाद है जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद मेन्यू चॉइसेस एज मेजर्ड बाय द कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे के जरिए से हम लोग उनकी सेटिस्फेक्शन को मेजर करेंगे और वो सेटिस्फेक्शन जो है वो किसके जरिए से है, मेन्यू चॉइसेस के जरिए से। मीन उनके पास जो ऑलरेडी सिर्फ लिमिटेड चॉइसेस थी खाने पीने की, उसको हम लोग ज्यादा करेंगे, इंप्रूव करेंगे और उसके जरिए से हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएंगे। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारा जो कस्टमर का सेगमेंट बनेगा हमारे बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर, उसके अंदर जो है वो हम लोग इस वाले जो ये मेजर जो है वो वहां पे हम लोग इसको लिखेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद सर्विस, और यहाँ पे फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात आ गई और वो सर्विस, उनकी सर्विस को बेहतर बना के उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करके अच्छे तरीके से उनकी जो है वो बेहतर सर्विस और स्पीडी सर्विस के जरिए से हम लोग जो है वो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, ये उन्होंने मेजर डिजाइन किया है। तो ये भी हम लोग जो है वो
कस्टमर्स वाला जो सेगमेंट है अपने बैलेंस स्कोर कार्ड का, उसके अंदर इसको भी लिखेंगे। ओके, एवरेज टाइम टू टेक एन ऑर्डर, एवरेज टाइम टू टेक एन ऑर्डर चूंकि ये भी एक ऑपरेशन का एरिया है और इसलिए हम लोग इसको भी इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर जो है वो लिखेंगे। ये भी हमारा इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस का जो है वो एक मेजर बनेगा। एवरेज टाइम टू प्रिपेयर एन ऑर्डर, चूंकि ये भी एक ऑपरेशन का एरिया है प्रिपेयरिंग ऑफ एन ऑर्डर, तो इसलिए ये भी क्या है हमारे पास इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस का ही ये भी पार्ट बनेगा। फिर उसके बाद क्या है, परसेंटेज ऑफ किचन स्टाफ कंप्लीटिंग बेसिक कुकिंग कोर्स एट द लोकल कम्युनिटी कॉलेज, लोकल कम्युनिटी कॉलेज से उनको जो है वो एक बेसिक जो है कुकिंग कोर्स करवाया जाएगा और वो उसमें कितने परसेंटेज ऑफ किचन स्टाफ ने ये कोर्स किया होगा वो परसेंटेज के साथ उसकी मेजरमेंट की जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा जब भी मेजर्स हम करते हैं उसको हम लोग किसी ना किसी जो है वो आप समझ लें कि क्वांटिटी में मेजर करना भी जरूरी होता है। अच्छा, इसकी मेजरमेंट उन्होंने कहा जी परसेंटेज ऑफ किचन स्टाफ जो है वो हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अब चूंकि ये क्या है, ये लर्निंग एंड ग्रोथ के रिलेटेड है कि मीन हम अगर एम्प्लॉयज की लर्निंग बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से वो ऑर्डर्स स्पीडी करेंगे, उनके ऑर्डर्स अच्छे बनेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, कस्टमर्स को जो है वो न्यू मेन्यू की चॉइसेस मिलेंगी। तो ये तमाम चीजें तभी आएंगी जब हम लोग अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे, अपने एम्प्लॉयज को जो है वो उनकी लर्निंग और ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो ये वाला मेजर है वो लर्निंग एंड ग्रोथ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, परसेंटेज ऑफ डाइनिंग रूम स्टाफ कंप्लीटिंग बेसिक हॉस्पिटैलिटी कोर्स एट अ लोकल कम्युनिटी कॉलेज, और जो हमारे पास डाइनिंग रूम स्टाफ है उनको हम लोग जो है वो उनको भी एक कोर्स कराएंगे हॉस्पिटैलिटी का, और वो भी चूंकि उनकी लर्निंग और ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा जिसकी वजह से ऊपर वाले हमारे बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो इम्प्रूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इनको, ये भी हमारे जो है वो लर्निंग एंड ग्रोथ के जो है वो सेगमेंट के अंदर जो है वो इसको भी कंसिडर करेंगे। सो जो फ्रॉम ए टू जे ये वाले जो मेजर्स दिए गए हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम लोग अपने बैलेंस स्कोर कार्ड के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके अंदर जब हम लोग इनको लिखने की कोशिश करते हैं, और ये किस तरीके से हम लोग बनाएंगे ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अभी आप देखिएगा कि ये हमारे पास एक्सरसाइज है 11-4, ये है जी एक्सरसाइज 11-4 मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय गैरिजन नोरीन के 15th एडिशन में से, और हम लोगों ने इसमें बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना है। मैं मैक्सिमम जो स्पेस को यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो आता है फाइनेंशियल का पोर्शन, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल का एक सेगमेंट बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम दूसरा सेगमेंट बनाते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, कस्टमर्स का, और तीसरा हम लोग सेगमेंट बनाते हैं इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस का, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस का, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस का, और चौथा सेगमेंट हम बनाते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ का, लर्निंग एंड ग्रोथ का। ये बेसिकली चार सेगमेंट होते हैं हमारे एक बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर। यहां पे मैं ऊपर लिख लेता हूं बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो हम यहां पे एक डिजाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल का पोर्शन होता है, फिर उसके बाद कस्टमर्स का पोर्शन होता है, फिर इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस का होता है, और फिर आखिर में लर्निंग एंड ग्रोथ का सेगमेंट बनता है। अच्छा जी, फाइनेंशियल के अंदर हम लोगों ने दो मेजर्स जो थे वो फाइनेंशियल्स के अंदर जो है वो क्या किए थे, आइडेंटिफाई किए थे हमारे एग्जाम्पल के अंदर, हमारी एक्सरसाइज के अंदर। नंबर वन हमने कहा था आपको, मैं दिखा देता हूं अपने क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है वीकली सेल्स हैं और फिर वीकली प्रॉफिट है। तो वीकली सेल्स और वीकली प्रॉफिट जो है वो ये दो फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं, तो इसको हम लोग जो है वो फाइनेंशियल के पोर्शन के अंदर लिखेंगे। तो सबसे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है जी, वीकली प्रॉफिट। ये वीकली प्रॉफिट है, और ये वीकली प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब हमारे पास वीकली सेल्स बढ़ेंगी।
वीकली प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब हमारे पास वीकली सेल्स बढ़ेंगी, तो इसका मतलब है वीकली सेल्स विल इंक्रीज आर वीकली प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरो के साथ इसको शो कर सकते हो, व्हेन वीकली वीकली सेल्स विल इंक्रीज मीन प्लस होगी, विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट। जब भी वीकली सेल्स इंक्रीज होंगी तो उसकी वजह से वीकली प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके फिर उसके बाद हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में हमारे पास जो है वो दो मेजर्स जो है वो जो हमें हमारे जो डिफरेंट मेजर्स दिए गए हैं उसमें हमें दो मेजर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि हमारी कस्टमर से रिलेटेड हैं। तो हम कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी विद सर्विस। हम सर्विस बेहतर करके उनकी सेटिस्फेक्शन करेंगे। और दूसरा क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद विद मेन्यू चॉइसेस, मोर मेन्यू चॉइसेस, या मेन्यू चॉइसेस लिखते हैं सिर्फ आप, विद मेन्यू चॉइसेस मीन उनके मेन्यू चॉइसेस के साथ हम उनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा जी कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे दो तरीकों से, एक उनकी सर्विस अच्छी देके और दूसरा जो है वो उनको हम ज्यादा मेन्यू में चीजें देके हम लोग मेन्यू चॉइसेस को बेहतर बना के या मेन्यू चॉइसेस को इम्प्रूव करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर जो है वो डिफरेंट हमें जो है वो दिए गए हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। मैं आप लोगों को वो भी एक दफा बता देता हूं, दिखा देता हूं कि कौन कौन से जो है वो वहां पे मेजर्स हैं। जैसे नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स हैं, ये नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स तभी बढ़ेंगी जब हम हमारे बिजनेस इंटरनल बिजनेस जो है वो बढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस इंप्रूव करेंगे तभी हमारी जो है वो मेन्यू में ज्यादा आइटम्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो डाइनिंग एरिया क्लीनलीनेस बेहतर होगी तभी जब हमारी इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस बढ़ेंगे, ये दोनों कस्टमर्स के रिलेटेड है। एवरेज टाइम टू टेक एन ऑर्डर, ये भी हम इंटरनल बिजनेस प्रोसेस का मेजर है। एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर, ये भी बिजनेस इंटरनल बिजनेस प्रोसेस का मेजर है। तो इनको भी हम लोग जो है वो अपने उस जो बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पहला वाला क्या है कि डाइनिंग एरिया क्लीनलीनेस, डाइनिंग एरिया क्लीनलीनेस, हम डाइनिंग एरिया को क्लीन रखेंगे नंबर वन। नंबर टू इसमें आ जाता है जी एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर। एक ऑर्डर को बनाने के लिए जो एवरेज टाइम लगता है उसका जो प्रिपेयर करने का एक मेजर है, ये भी हम यहां पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो एवरेज टाइम टू टेक ऑर्डर, एवरेज टाइम टू टेक ऑर्डर, अब ये भी एक मेजर है, ये भी हम यहाँ पे, क्योंकि ये भी इंटरनल बिजनेस का प्रोसेस का मेजर है इसलिए उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। और एक है जी नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स, नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स। अब ये देखिए ये सारे के सारे जो है वो चार मेजर जो है वो हमारे क्या हैं, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस के मेजर्स हैं। तो उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिख लिया है कि इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस के मेजर जो है वो हम लोगों ने इंटरनल बिजनेसेस के जो जो सेगमेंट था उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इनको चारों को मेंशन कर दिया। और ये कहाँ से आए हैं, ये हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें बता दिए गए हैं। और अगर आप लोगों को कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि जिसमें ये मेजर्स ना दिए हुए हो तो फिर आप लोगों को क्या है एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो इन मेजर्स को खुद से डिफाइन करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, उनको थोड़ा खुद से ड्राइव करना पड़ेगा, इन मेजर्स को थोड़ा आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, हमें वो तमाम मेजर्स ऑलरेडी बता दिए गए हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और उसके बाद आखिरी वाली चीज आ जाती है लर्निंग एंड ग्रोथ। तो लर्निंग एंड ग्रोथ में हमारे पास उन्होंने दो मेजर दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ डाइनिंग स्टाफ कंप्लीशन हॉस्पिटैलिटी कोर्स, परसेंटेज ऑफ डाइनिंग स्टाफ कंप्लीटिंग हॉस्पिटैलिटी कोर्स।
अच्छा एक तो ये है कि हम डाइनिंग स्टाफ के लिए हॉस्पिटैलिटी कोर्स अरेंज करेंगे और उसमें से कितने परसेंट लोगों ने वो कोर्स किया है ये उसका मेजर है। फिर उसके बाद है जी परसेंटेज ऑफ जो है वो कुकिंग किचन स्टाफ, परसेंटेज ऑफ किचन स्टाफ कंप्लीटिंग कुकिंग कोर्स। दूसरी चीज ये है कि हम अपने स्टाफ को कुकिंग कोर्स कराएंगे और कितने परसेंट लोगों ने वो कुकिंग कोर्स किया है ये उसका मेजर बन जाएगा। तो ये बेसिकली ये दो मेजर्स हैं। अब आप जरा गौर करें कि जो हमारा बिजनेस जो बैलेंस स्कोर कार्ड होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। हम क्या करेंगे, लर्निंग एंड ग्रोथ बढ़ाएंगे, उसकी वजह से हमारे इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस बढ़ेंगे। जब इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस बढ़ेंगे तो उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो उसकी वजह से हमारे जो है वो फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इसका जो है वो पूरे का पूरा फ्लो बनता है। अब हम ये क्या कहते हैं जी, जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टाफ होगी, जितने ज्यादा लोग जो है वो ये वाला कोर्स करेंगे, उससे क्या होगा कि जो एवरेज टाइम टू टेक ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी लेसन। जितने ज्यादा जो है वो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करेंगे जितने लोग, उसकी वजह से हमारा जो ऑर्डर लेने का टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डाइनिंग एरिया की क्लीनलीनेस जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। किसकी वजह से, लर्निंग एंड ग्रोथ में से, जो डाइनिंग स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी कोर्स करने की वजह से एक तो उनका एवरेज ऑर्डर टेकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव कर जाएगा। अब ये क्यों इंप्रूव कर रहा है, बिकॉज अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ पे अगर ये बढ़ेगी तो फिर ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्लीनलीनेस एरिया की क्लीनलीनेस, जो डाइनिंग एरिया क्लीनलीनेस है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा। तो ये बेसिकली इस एक काम करने की वजह से ये दो काम होंगे। इसमें जो है वो इंप्रूवमेंट कैसे आएगी कि ये एवरेज टाइम टेकिंग ऑफ ऑर्डर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो क्लीनलीनेस ऑफ एरिया है वो इंप्रूव कर जाएगा। दूसरी तरफ पे देखें जी, अगर हम लोग किचन कुकिंग स्टाफ का कोर्स कराएंगे तो जितने ज्यादा जो लोग होंगे वो अगर ये कोर्स करेंगे, इफ वी इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ टेकिंग दिस कोर्स, अगर हम जितने ज्यादा स्टाफ को ये कोर्स कराएंगे तो उसकी वजह से उनके पास क्या होगी, नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स विल इंक्रीज, न्यू खाने सीखेंगे, नए नए खाने बनाना आएंगे उनको जब वो कोर्स करेंगे, तो इसकी वजह से ये वाला जो है वो प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा। मीन ये एक लर्निंग एंड ग्रोथ करने की वजह से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। और एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर, मीन वो जल्दी खाना बना लेंगे, तो एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ये इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इंप्रूवमेंट क्या होगी कि उनका जो एक ऑर्डर को प्रिपेयर करने का टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा और उनके जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो इंक्रीज कर जाएंगे। किस एक काम की वजह से, उनको जब हम कुकिंग कोर्स कराएंगे तो इसकी वजह से फिर ये वाला जो बिजनेस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंप्रूव कर जाएगा। तो मैंने इस एरिया इस जो है वो एरो के जरिए से इसको जो है वो मेंशन कर दिया है कि मीन ये काम करने की वजह से एक काम ये होगा और दूसरा काम जो है वो एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, जब एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, उनको जो है वो कस्टमर की सर्विस जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो मीन ये कस्टमर की सर्विस को क्या कर देगा, इंप्रूव कर देगा। जब उनके ऑर्डर जल्दी मिलेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि उसको क्विक सर्विस मिल रही है, तो मीन उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी बाय प्रिपेयरिंग अर्ली ऑर्डर्स, जल्दी जो है वो उनको ऑर्डर जो है वो प्रोवाइड करने से। दूसरा, एरिया की क्लीनलीनेस अच्छी होने की वजह से भी उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। और तीसरा,
एवरेज टाइम टू टेक ऑर्डर मीन एक कस्टमर को आप जल्दी जो है वो अटेंड करेंगे और उसका ऑर्डर जल्दी लेंगे तो उसकी वजह से भी उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। तो मीन ये जो तीन काम हैं वो इसको बढ़ाने में मदद देंगे और उनकी जो मेन्यू ज्यादा होने की वजह से मीन उनके पास ज्यादा खाने की ऑप्शंस मिलेंगी तो तब मिलेंगी जब उनके पास नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स इंक्रीज करेगी। तो जब नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स इंक्रीज करेंगी तो उसकी वजह से उसके पास कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी बाय हैविंग मोर चॉइसेस ऑफ मेन्यू। मेन्यू की ज्यादा चॉइसेस होने की वजह से उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो इंप्रूव कर जाएगी। अब इन दोनों कामों की वजह से क्या होगा, सेल्स बढ़ेगी। इसकी वजह से अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उसको अच्छी सर्विस मिलेगी तो वो ज्यादा हमारे पास आएंगे, ज्यादा ऑर्डर्स करेंगे, ज्यादा लोग हमें विजिट करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी। और जब उनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी मोर चॉइसेस की वजह से तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। जब हमारी सेल्स बढ़ेंगी तो उसकी वजह से हमारा जो वीकली प्रॉफिट जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कंपनी की एक स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने क्या करना है कि अपने एम्प्लॉयज की एक तो क्या करनी है, ट्रेनिंग्स करानी है, और उन ट्रेनिंग्स की वजह से उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उनकी क्लीनलीनेस बेहतर करनी है, एवरेज टाइम टेकिंग कम करनी है, एवरेज जो प्रिपेयरिंग ऑर्डर की टाइम को कम करना है, कुकिंग टाइम को कम करना है, फिर उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स को बढ़ाना है, और इनके कामों की वजह से हमारे जो कस्टमर्स है उनकी सेटिस्फेक्शन विद सर्विस भी बढ़ेगी और उनकी सेटिस्फेक्शन विद मेन्यू चॉइसिस भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, उनकी जो ओवरऑल सेल्स है वीकली वो बढ़ेंगी। जब ओवरऑल सेल्स बढ़ेंगी तो उसकी वजह से उनका जो वीकली प्रॉफिट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। इन दिस वे यू कैन डिजाइन और डेवलप योर बैलेंस स्कोर कार्ड बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन योर क्वेश्चन और एक्सरसाइज। इस तरीके से आप जो है वो इस बैलेंस स्कोर कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको जो है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि इस बैलेंस स्कोर कार्ड को हम लोग किस तरीके से डिजाइन करेंगे और किस तरीके से हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। होप सो जो है वो आप इसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होगी ये आप लोग समझ गए होंगे कि हम चार सेगमेंट बनाएंगे, एक फाइनेंस का, एक कस्टमर का, एक इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस का और एक लर्निंग एंड ग्रोथ का। और हर एक जो मेजर हमें दिया गया है वो जिस जिस एरिया के रेलेवेंट है हम उसमें लिखते जाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किसकी वजह से क्या चीज इंक्रीज कर रही है और क्या चीज इंप्रूव कर रही है, क्योंकि ये अगर कम होगी तो इम्प्रूवमेंट है, ये अगर ज्यादा होगी तो इम्प्रूवमेंट है, ये अगर ज्यादा होगा तो इम्प्रूवमेंट है, ये अगर कम होगा तो इम्प्रूवमेंट है, और कौन सी चीज किस तरीके से लिंक कर रही है ये आप लोग जब इन एरोज के जरिए से शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉक्सेस इसलिए नहीं बनाए हैं कि मेरे पास जो जगह कम थी, अगर अदरवाइज मैं यहाँ पे इनको बॉक्सेस के अंदर जो है वो लिख लूंगा। आप भी कोशिश करें कि इसको बॉक्सेस के अंदर जो है वो लिखें। यहाँ पे मैं बॉक्सेस डिजाइन कर देता हूँ इस तरीके से, और ये चूंकि मैंने मैनुअल किया है, आप जब इसको वर्ड के ऊपर या फिर आप जो है वो अपने कंप्यूटर को यूज करके बनाएंगे तो ऑफकोर्स जो है वो आप इसकी जो है उसमें थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन को भी बेहतर बना सकते हैं और इस तरीके से जो आप इनको जो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एनी हो, चूंकि मैंने ये हाथ से काम किया है तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा आप समझ लें कि मैसी मैसी सा नजर आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों का जो बेसिक आइडिया है उसको समझ आ जाना चाहिए कि आप किस तरीके से इसके बेसिक आइडिया को ग्रैस्प करेंगे और किस तरीके से जो आप इसकी जो है वो डिजाइनिंग और डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड करेंगे। होप सो आप लोग जब इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हम ये देखते हैं कि हमें सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा हुआ है। What hypotheses are built into the balance scorecard for the powder 8 lodge? Which of these hypotheses do you believe are most questionable? Why? Basically, उन्होंने ये पूछा कि कौन से hypotheses जो है वो आप समझते हैं कि इस balance scorecard से बन सकते हैं, और उनमें से कौन से जो है वो hypotheses जो है वो सबसे ज्यादा questionable हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। तो हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी डू दैट।
अगर हम कोई काम करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये हाइपोथेसिस होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या क्या हाइपोथेसिस हमारे पास जो है वो डेवलप हो सकते हैं। तो मैं दोबारा से जो है वो आंसर की तरफ चलता हूं। तो हम लोग जब एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, यही जो है वो क्वेश्चन जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर टू है। तो वहां पे हम लोगों ने हाइपोथेसिस जो है वो हाइपोथेसिस जो भी बनेंगे इन बैलेंस स्कोर कार्ड, जो बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया है उसमें कौन कौन से हाइपोथेसिस हमारे पास जो बनेंगे। नंबर वन, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ डाइनिंग रूम जो स्टाफ है वो अपनी जो जो कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एवरेज टाइम टेकन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब आप देखो यहां पे जो हमने एरोज बनाए हैं यही हाइपोथेसिस हैं। इफ हम ये कहते हैं इफ दिस इज इंप्रूव्ड दिस विल क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, तो ये हाइपोथेसिस है जो मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हम ये ज्यादा करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, एवरेज टेकिंग ऑर्डर टाइम टेकिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस बन गया है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या होगा, इफ परसेंटेज ऑफ डाइनिंग स्टाफ कंप्लीट्स द हॉस्पिटैलिटी कोर्स विल इंक्रीज। अगर तो परसेंटेज ऑफ डाइनिंग स्टाफ हॉस्पिटैलिटी कोर्स कंप्लीशन इंक्रीज करेगी, अगर ज्यादा हॉस्पिटैलिटी जो डाइनिंग स्टाफ है वो हॉस्पिटैलिटी कोर्स ज्यादा लोग करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, क्या होगा जी, द एवरेज ऑर्डर टेकिंग टाइम will reduce, average order taking time जो है वो reduce कर जाएगा। If percentage of dining staff will be higher या will okay, if the percentage of dining staff completing the hospitality course will increase, अगर तो परसेंटेज ऑफ द डाइनिंग स्टाफ जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी कोर्स कर किया वो इंक्रीज करेगा तो उसके नतीजे में जो एवरेज जो है वो ऑर्डर टेकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस करेगा। दूसरा हाइपोथेसिस क्या बनेगा, इफ परसेंटेज ऑफ द डाइनिंग स्टाफ कंप्लीटिंग हॉस्पिटैलिटी कोर्स विल इंक्रीज, अगर तो ये इंक्रीज करता है या इंक्रीजेस लिख लें इसको, अगर इफ परसेंटेज ऑफ डाइनिंग स्टाफ कंप्लीटिंग हॉस्पिटैलिटी कोर्स इंक्रीजेस, अगर तो परसेंटेज ऑफ स्टाफ इंक्रीज करता है जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी कोर्स कंप्लीट किया तो उसके नतीजे में क्या होगा, डाइनिंग रूम क्लीनलीनेस विल इंप्रूव। तो ये एक नया हाइपोथेसिस बन गया, तो डाइनिंग रूम क्लीनलीनेस विल इंप्रूव। अच्छा जी, ये एक नया हाइपोथेसिस बन गया। नंबर थ्री, इसके बाद क्या हाइपोथेसिस बनेगा, अगर परसेंटेज ऑफ किचन स्टाफ कंप्लीटिंग कुकिंग कोर्स अगर ये इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स विल इंक्रीज, तो ये एक नया हाइपोथेसिस बन गया। इफ परसेंटेज ऑफ किचन स्टाफ कंप्लीटिंग कुकिंग कोर्स
इंक्रीजेस। अगर तो किचन स्टाफ जो कुकिंग कोर्स कर रहे हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा होती है, इंक्रीज करती है, तो क्या होगा, मेन्यू आइटम्स या नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स इंक्रीज करेंगी इफ परसेंटेज ऑफ किचन स्टाफ कंप्लीटिंग कुकिंग कोर्स इंक्रीजेस। इसके नतीजे में क्या होगा, अब हम देख लेते हैं अपने उससे, एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर विल रिड्यूस। तो ये एक नया हाइपोथेसिस बन गया, एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर विल रिड्यूस, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो है वो हाइपोथेसिस देख लेते हैं कि अगला हाइपोथेसिस हमारे पास क्या बनेगा, नंबर फाइव। फिफ्थ हाइपोथेसिस है, हम अपने उसी को ही देखेंगे, अगर नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज करेंगी तो इट विल इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद मेन्यू चॉइसेस। नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज होंगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद मेन्यू चॉइसेस विल इंक्रीज। तो इसको आप लिख लेते हैं, इफ नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स इंक्रीजेस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद मोर मेन्यूज मेन्यू आइटम्स विल इंक्रीज, वो ज्यादा हो जाएगी। नंबर फाइव, अगर उसके बाद क्या है नंबर सिक्स, कि अगर एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद सर्विस इंक्रीज कर जाएगी, एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर डिक्रीज करेगा, रिड्यूस होगा, उससे ये वाला जो है वो इंप्रूव करेगा। तो एक नया हाइपोथेसिस बन गया, इफ टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर इज रिड्यूस्ड, उसके नतीजे में क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद कस्टमर सर्विस विल इंप्रूव, कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर सर्विस देयर सर्विस विल इंप्रूव। नंबर सेवन क्या है हाइपोथेसिस बनता है, देखें जी, एवरेज टाइम टू टेक ऑर्डर अगर कम होगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद सर्विस इंप्रूव करेगी, इसको भी आप लिख लें, इफ एवरेज टाइम टू टेक ऑर्डर इज रिड्यूस्ड, अगर ये रिड्यूस्ड होगा इंप्रूव करेगा, उसके नतीजे में क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सर्विस विल इंप्रूव, विद रिस्पेक्ट टू सर्विस जो है वो उनकी सेटिस्फेक्शन इंप्रूव कर जाएगी। फिर उसके बाद नंबर एट हाइपोथेसिस क्या है, डाइनिंग रूम क्लीनलीनेस अगर बेहतर होगी तो उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करेगी, डाइनिंग इंप्रूवमेंट इफ सॉरी इफ डाइनिंग रूम क्लीनलीनेस विल इंप्रूव देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन
विद सर्विस विल इम्प्रूव। इससे क्या हो जाएगा, उनकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इस लिहाज से हम लोग जो है वो ये हाइपोथेसिस जो है वो लिख सकते हैं। नंबर 9 हाइपोथेसिस क्या बन सकता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद सर्विस इंप्रूव करेगी तो इट विल इंक्रीज वीकली सेल्स। अब आप नेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं हाइपोथेसिस नंबर 9, इफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद सर्विस विल इंप्रूव इंप्रूव्स, आप प्रेजेंट टेंस लिखें इंप्रूव्स, इफ के साथ प्रेजेंट आता है इंप्रूव्स, देन वीकली सेल्स विल इंक्रीज। और नंबर 10 क्या है, इफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद मेन्यू चॉइसेस इंप्रूव्स देन वीकली सेल्स विल इंक्रीज। अब ये एक नंबर 10 हाइपोथेसिस बन गया। अब ये मैंने कहां से लिखा है, ये भी मैंने यहां से लिखा है कि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद मेन्यू चॉइसेस इंक्रीज करता है तो वीकली सेल्स भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज करेंगी। अब उसके बाद हाइपोथेसिस क्या बनेगा, वीकली सेल्स इंप्रूव करेंगी तो वीकली प्रॉफिट इंप्रूव करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर बन जाएगी। तो इसके लिए आखिरी जो हाइपोथेसिस बनता है नेक्स्ट हाइपोथेसिस नंबर 11, इफ वीकली सेल्स इंप्रूव्स और इंक्रीजेस द वीक देन द वीकली प्रॉफिट विल इंक्रीज। अगर उनका वीकली सेल्स इंप्रूव करती है तो इसके नतीजे में उनका जो है वो वीकली प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। सो दीज आर द हाइपोथेसिस व्हिच कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग दिस बैलेंस स्कोर कार्ड। अच्छा जी, अब अगला जो सवाल है, व्हिच हाइपोथेसिस इज क्वेश्चन्ड, व्हिच हाइपोथेसिस कैन बी क्वेश्चन्ड, तो उसका जवाब क्या है जी, एवरी हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस कैन बी क्वेश्चन्ड। हर हाइपोथेसिस जो है उसके ऊपर सवाल हो सकता है, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल के अगर द आइटम्स एग्रीड टू द मेन्यू मे नॉट अपील टू कस्टमर्स, इफ आइटम्स ऑफ मेन्यू डज नॉट अपील टू कस्टमर, कि जो आइटम्स हम लोगों ने मेन्यू में ऐड की हैं अगर वो कस्टमर को अपील नहीं करती हैं, देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन मे नॉट अप्रूव मे नॉट इंप्रूव। उसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव नहीं हो सकती, और जब ये इंप्रूव नहीं होगी तो ऑफकोर्स सेल्स नहीं बढ़ेंगी, जब सेल्स नहीं बढ़ेंगी तो ऑफकोर्स हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक जो आइटम है वो क्वेश्चन हो सकती है, बिकॉज एवरी आइटम इज सब्जेक्टिव, ये एक सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट टू है कि हम सब्जेक्ट टू कस्टमर रेस्पॉन्सेज है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हम काम ये कह रहे हैं उससे 100% वही वाला रिजल्ट बनेगा,
इसलिए जब हम लोग ये नहीं कह सकते कि 100% वही वाला रिजल्ट आ सकता है, तो इसलिए एवरी आइटम कैन बी क्वेश्चन। सो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप किए हैं वो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने अपने पास से एक एस्टिमेशन करने की कोशिश की है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो अब फ्यूचर में बिल्कुल मनोअन सारे के सारे फैक्टर जो है वो उसी तरीके से ही हमारे पास आएंगे या हमारे सामने आएंगे और उसी तरीके से ही हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो आ जाएगी। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो ये क्वेश्चनेबल हो सकते हैं, ये हाइपोथेसिस जो है वो सारे के सारे क्वेश्चनेबल हो सकते हैं, और इनमें इनमें जो है वो इनके एक फैक्टर के वजह से कोई दूसरा फैक्टर जो है वो उस तरह के से बिहेव या उस तरीके से रिजल्ट नहीं भी दे सकता है। तो ये हम लोग जो है वो इसका जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब आखिरी क्वेश्चन है सिर्फ, उसको हम देख लेते हैं फिर मैं आपके साथ। हाउ विल मैनेजमेंट नो इफ वन ऑफ द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग द बैलेंस स्कोर कार्ड इज फॉल्स। एक मैनेजमेंट जो किस तरह से देखेगी कि जो भी हम लोगों ने बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर हाइपोथेसिस डेवलप किए हैं वो ठीक नहीं है, फॉल्स है, मीन वो जो हमने लिखा है उसके मुताबिक नहीं है बल्कि उलट है, जो है वो गलत है। मैनेजमेंट, ये नंबर 3 पार्ट है इसका, ठीक है जी। मैनेजमेंट विल बी एबल टू टेल इफ द हाइपोथेसिस इज फॉल्स इफ एन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस मेजर एट द बॉटम ऑफ द एरो, अगर हम परफॉर्मेंस एट बॉटम ऑफ द एरो, मीन ये जो बॉटम ऑफ द एरो है, मीन ये वाला जो पार्ट है इसकी अगर परफॉर्मेंस जो है डज नॉट, अगर ये इम्प्रूवमेंट में नहीं आती है, मीन इसकी इम्प्रूवमेंट इसको इम्प्रूव नहीं करती है, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है, जो हमारी कही हुई बात होती है, जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया होगा वो गलत हो जाएगा। अगर बॉटम ऑफ द एरो के ऊपर जो भी हमारा परफॉर्मेंस मेजर है does not lead to improvement, lead to improve performance at top of the arrow, improve the performance measure at टॉप ऑफ द एरो। जो हम लोगों ने एरोज डिजाइन किए थे, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बॉटम ऑफ द एरो वाला जो फैक्टर है उसकी इंप्रूवमेंट की वजह से, अगर जो टॉप एरो के ऊपर जो मेजरमेंट है मेजर है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आती है, इफ दिस फैक्टर डज नॉट इंप्रूव दिस फैक्टर, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें से क्या है कि आप कोई भी ले लें, इफ डाइनिंग क्लीनलीनेस डज नॉट इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स हो गया है। अगर हम जो परसेंटेज ऑफ डाइनिंग स्टाफ हॉस्पिटैलिटी कोर्स की है वो अगर इम्प्रूव नहीं करती है हमारे एवरेज ऑर्डर टेकिंग टाइम को, तो ये हमारा हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि इसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
जमीन हम कोई सा भी ले सकते हैं, अगर एवरेज टाइम टू प्लेस और प्रिपेयर ऑर्डर डज नॉट इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो हमारा हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाएगा। अगर परसेंटेज ऑफ किचन स्टाफ कंप्लीटिंग कोर्स डज नॉट इंप्रूव द एवरेज टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर, अगर ये इंप्रूव नहीं होता है तो हमारा ये हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाएगा। अगर एवरेज परसेंटेज ऑफ किचन स्टाफ कंप्लीटिंग कोर्स डज नॉट इंप्रूव नंबर ऑफ आइटम्स ऑन द मेन्यू, तो वो फिर ये हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ आइटम्स ऑन द मेन्यू डज नॉट इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द मेन्यू चॉइसेस, तो हमारा ये हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से एवरी हाइपोथेसिस कैन बी फॉल्स, और उसका क्राइटेरिया क्या है कि जो बॉटम के ऊपर बॉक्स है उसकी इंप्रूवमेंट जो है वो उसके जो टॉप के ऊपर बॉक्स है उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाती है तो हम ये कहेंगे कि हमारे हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स हो जाएंगे। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन और आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। आप इस तरीके से एक बैलेंस स्कोर कार्ड को डेवलप कर सकते हैं और उसके रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको जो है वो क्या कर सकते हैं, उनके आंसर कर सकते हैं। होप सो आप लोग जब इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।